ग्रेटर नोएडा के HL इंटरनेशनल स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। साथियों, हम हैं ग्रेटर नोएडा के HL इंटरनेशनल स्कूल में। वहां पर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है आज, और एक पेरेंट्स मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर छात्रों ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ग्लोबल वार्मिंग यानी बहुत बड़ी चिंता का विषय है, प्रदूषण बढ़ रहा है और बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं, जिससे बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए इन बच्चों ने उपाय बताए हैं। तो हम इन स्टूडेंट से बात करेंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को सुधारा जा सकता है, वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है और सावधानियां बरती जा सकती हैं। इस एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए और ये प्रोजेक्ट बड़े प्रभावित करने वाले थे, और जो प्रोजेक्ट यहाँ दर्शाए गए उनकी तारीफ भी की गई। आपके बच्चे पढ़ते हैं HL इंटरनेशनल स्कूल में जी, तो यहाँ स्कूल के बारे में क्या कहोगे? आप पढ़ाई कैसी है, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था का मैनेजमेंट तो अच्छा है, मैनेजमेंट में कोई मतलब नो डाउट, क्योंकि जब छुट्टी होती है, जब भी मैं देखती हूँ बच्चों को लेने आती हूँ बेटी को अपनी वो, और मॉर्निंग में भी जब आती हूँ, मैनेजमेंट तो इस बेटर। पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई के बारे में क्या कहोगे आप? पढ़ाई तो यहाँ की अच्छी है। पढ़ाई क्या बना रखा है आपका, क्या प्रोजेक्ट? गुड मॉर्निंग सर, दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फिजिक्स वर्किंग मॉडल बेस्ड अपॉन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इन दिस वी सी दैट इसके अंदर जो एल्युमिनियम फॉइल की कोटिंग की गई है वो इसलिए की गई है, और जो कैंडल लाइट हो रही है उससे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, और उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो धूपबत्ती इसमें जल रही है और जो स्मोक निकल रहा है वो जहाँ सारा का सारा इसमें से निकलना चाहिए, इस ग्लास से भी निकल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ पलक, आई एम फ्रॉम 9C। दिस इज मॉडल ऑफ प्लांट सेल, दिस इज सेल वॉल्स, दैट्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल, एंड दिस इज सेल मैम्ब्रेन, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल दैट्स गिव अस एनर्जी। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली इट्स प्रोवाइड अ ग्रीन कलर इन टू प्लांट। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज दीपिका चौहान, आई एम फ्रॉम 10th B, and this is my project, series combination and parallel combination. In series combination, the current flow bulb, but the current is same, the voltage is divided. But in parallel, the current is divided, but voltage is same. In parallel, we can use many switch in this circuit, but series we can use only one switch. The example of parallel in our home, we can use many switches in our home. Good morning sir, I am Mahesh Kushwaha, class 10th B. Here I am presenting a model of electrolysis of NaCl. Good morning, I am Anshika Vishesh from class 10th B. I have made a project named Wireless Power Transmission, as you can see. So here is a battery, switch, wires and bulb. When we on our switch, there is the wires are closed. When we get distance with the wires, the bulb get not glow. Why? Because of the power is transmission. क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हो? डाले के हैं, रस्मी नाम है। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी हाँ। कैसी पढ़ाई है, कैसी व्यवस्था है? वैसे व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई भी ठीक है। ये बच्चे पढ़ते हैं आप कौन सी क्लास में? ये सेकंड में। और ये? 11th में। पढ़ाई की बात की जाए जैसे 11th में आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हम ये बोलेंगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। मेरा नाम अमित शर्मा है। शर्मा जी, आपका बेटा पढ़ता है यहाँ पर HL इंटर जी, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ एजुकेशन से, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो वो सर से हमने बात की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आगे से ज़रूर किए जाएंगे। बाकी दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है 6th क्लास में, बेटा है, और दोनों ही साइंस एग्जीबिशन में लगी है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, मैंने कई प्रोजेक्ट्स देखे, बच्चों ने एक्सप्लेन बहुत अच्छे किए, और लकीली मेरे बेटे ने भी एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, वो भी बहुत अच्छा किया, उसने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, और रेस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं बहुत मेहनत किए, और ऑब्वियसली गाइडेंस जो टीचर्स ने दी है उसके बेस पे ही की होगी, तो बढ़िया है, अच्छा लगता है, बच्चे क्रिएटिव काम करते हैं तो खुशी होती है देख के।
Good morning everyone. So I have created the small model of Newton's cradle. So in this we can see that the energy transfer from one body to another body. Here the conservation of momentum is applied, so that's why the marble is moving. Good morning everyone, my name is Angel. I'm from class 9. This is the model of the dialysis. Dialysis is the process which the wastage of blood is removed by the process of dialysis. Dialysis is carried out when the kidney does not do well. And here the blood got purified by the fertilizer and the arterial pressure pump. Good morning, my name is Jessica. I'm from class 9C. This is a model of organic farming. In this box, these crops are grown with fertilizer. These are not looking good because the weeds are also there. So farmers don't grow crops without fertilizers. These are the crops with fertilizer. These are looking good. And farmers use this fertilizer, but it is not good because it decreases the soil fertility. So farmers must not use chemical fertilizer. Good morning everyone. My name is Amni Singh from class 5A. And her name is Kanika Bhati from 5th year. We will tell about traffic signals. And this is U-turn prohibit. No parking, no horn, on way, no stopping. Truck prohibit, overtaking prohibit. Speed ahead, man at work. Thank you, have a nice day. Good morning, myself Toshika. And we are the students of the class 10th. And we are here to represent or tell or you being aware about the global warming. Global what is global warming? Global warming means जब earth का temperature बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो उसको global warming कहा जाता है. वैसे mainly किसकी वजह से होता है तो global warming होता है आपकी greenhouse gases की वजह से. अब greenhouse gases में कौन कौन सी gases आती है? आपकी CO2, CH4, N2O, आपकी HCFCs, और इसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस भी आती है जो आपकी एसी फ्रिज वगैरह से निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर जो होती है उसका होता है डिप्लीशन, डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से सारी जो यूवी रेजेज है वो हमारी अर्थ पर आ रही है, हमारी स्किन को अटैक करती है मेनली वो, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसे कॉजेज मतलब डिजीजेज भी हो रहे हैं. इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के और भी बहुत से रीज़न है. कुछ हमारे नेचुरल भी है, जैसे हमारा वॉल्केनो हो गया. जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो बहुत सारा स्मोक और एशेज निकलती है. फॉरेस्ट फायर होगी, जब लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट में आग लगती है तो उससे बहुत स्मोक प्रोड्यूस होता है. इसके साथ साथ हमारे कुछ मैनमेड मतलब रीजंस भी हैं, जैसे आपका ओवर पॉपुलेशन हो गई. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए डिफॉरेस्टेशन हो गई होगा, क्योंकि उनका अर्बनाइजेशन भी होना जरूरी है, उनके लिए एग्रीकल्चर भी होगा तो उसके वजह से भी पेड़ काटे जाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन उसकी वजह से हो रहा है. इसके साथ साथ अगर पेड़ कम होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, हमारी सॉइल ख़राब होगी, ड्रॉट वगैरह आने के चांसेस हो सकते हैं. और इसके साथ साथ जब हमारी इतनी हीट हो रही है तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं जिनमें हमारी आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में रिजर्व है, वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो सी लेवल्स है वो क्या होंगे, राइज होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आएंगे. इसके साथ साथ हमारा क्लाइमेट पर भी इस पर अफेक्ट पड़ता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले रेन जो थी वो ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम है, पर कहीं जगह पर ज़्यादा भी होती है, ऐसा भी नहीं है. बट समर्स में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जहाँ पर वो 40 डिग्री होता था अब वो उससे भी ज़्यादा अबव जा रहा है. सर्दियों में क्या हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं कम है सर्दियाँ, बहुत नॉर्मल हो रही है, स्नोफॉल्स गिरना कम हो गई है. तो इस तरह के जो हैं हमको इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं, क्लाइमेट पर इसको बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है. तो इसको रोकने के लिए हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं. इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज के लिए कर सकते हैं, गैसेज को रोकने के लिए हम कर सकते हैं कि हम कम ड्राइव करें, है ना, छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हम साइकिलिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, जो हमारे हेल्थ के लिए भी सूटेबल है. इसके साथ साथ ड्राइव लेस करने के साथ हम कर सकते हैं कि हम 3 आवर्स का यूज़ कर ले, रिसाइकल, रीयूज़. जी, क्या कार्यक्रम हुआ आज आपके यहाँ पर? आज हमारे यहाँ पे PTM थी और बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन किया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल बनाए. वाटर हार्वेस्टिंग का था, इलेक्ट्रिसिटी का था, और इसमें नेचर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए. अच्छा लगता है जब बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा बाहर आती है. और इसमें सिर्फ टीचर का योगदान नहीं होता, पेरेंट्स का भी योगदान होता है. उसमें बहुत सारी सपोर्ट बच्चों को पेरेंट्स से मिलता है. तो मुझे लगता है कि मनमोहक यहाँ पे आपने प्रोग्राम देखा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था. और ये आप बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, एक देश, एक समाज के लिए, एक
मैसेज जाता है कि ये अच्छा करें, और हमारी कोशिश है कि हम ऐसे बच्चे यहाँ से प्रोड्यूस कर पाएँ जो इस देश का, इस समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू सर।